ओके गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। एक पार्क है, पेंटागनल शेप्ड पार्क है। फॉर द फाइंडिंग इट्स एरिया, आसिफा और समीना दो लड़कियां हैं, उन्होंने इस पार्क का दो अलग तरीकों से एरिया निकाला। ओके, तो हम काउंट करेंगे कैसे, कैलकुलेट करेंगे कैसे उन्होंने एरिया निकाला। जो आसिफा का मेथड है वो ये है, उसने क्या किया, इस पार्क को दो ट्रेपेजियम्स में डिवाइड किया। और जो समीना है उसका मेथड ये है, इसको मैं लिखूंगा यहां पे समीना डायग्राम। ओके, सबसे पहले हम आसिफा वाला मेथड करेंगे। उसने क्या किया है, इस पार्क को जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ की है डायग्राम, उसने इस पार्क को दो ट्रेपेजियम्स में डिवाइड किया। तो हम भी ट्रेपेजियम की फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, आसिफा का मेथड, हम क्या करेंगे, लेट ए बी सी डी ई बी द पार्क। ओके, उसके बाद उसने इस पार्क को दो ट्रेपेजियम्स में डिवाइड किया। किस ट्रेपेजियम में, ए बी सी डी and divided and the area of park is equal to area of trapezium ABCP plus area of trapezium AEDP. ओके, उसके बाद लिखेंगे हम इसका एरिया, एरिया ऑफ पार्क वो होगा बराबर इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया ABCP लिखेंगे, वो बराबर होगा हाफ ऑफ हाइट, ओके, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसके पैरेलल साइड्स कौन है, AP प्लस BC। ओके, इस पूरे ये पहले ट्रेपेजियम का एरिया है, मतलब इस वाले ट्रेपेजियम का, इसको ऐड करेंगे दूसरा ट्रेपेजियम का एरिया प्लस हाफ ऑफ हाइट इंटू AP प्लस ED। ओके, तो लिखते हैं हाफ ऑफ हाइट, कितनी हाइट है इसकी पहले ट्रेपेजियम की, CP इंटू AP प्लस BC। AP का वैल्यू 30 है, तो लिखेंगे 30 प्लस बीसी कितना है, 15 प्लस हाफ ऑफ हाइट, इस वाले ट्रेपेजियम की हाइट AEDP वो है PD इंटू AP हमारा 30 है प्लस ED हमारा 15 है। ओके, तो सॉल्व करते हैं, 30 प्लस 15 वो हुआ 45, हाफ ऑफ 45 इंटू CP, ओके, प्लस अगेन हाफ ऑफ 30 प्लस 15 वो हुआ 45 PD इंटू PD। अगर हम देखें दोनों में हाफ ऑफ 45 कॉमन है, इसमें भी हाफ ऑफ 40, इसको बाहर निकालते हैं, हाफ ऑफ 45 इंटू CP प्लस PD। ओके, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ 45 इंटू CP आ गया, हाफ ऑफ 45 इंटू PD आ गया, बीच में प्लस था, यहां पे इसको ऐसे रखते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, उसके बाद CP प्लस PD वो पूरा है, वो कितना है हमारा 15, यहां पे भी लिखते हैं 15, तो मैं लिखूंगा यहां पे, तो एरिया है बराबर हाफ ऑफ 45 इंटू CP प्लस PD
वो कितना है हमारा CD, जो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे हाफ ऑफ 45 इंटू 15। ओके, उसके बाद 45 इंटू 15 रफ में करते हैं, 45 into 15, 5 5s are 25, 5 4s are 20, वो हुआ 22, 1 5s are 5, 1 4s are 4, वो हुआ 5 7 6, 6 75, 6 75, okay? 6 75 divided by 2, अपना 2, तो 2 से divide करते हैं, 2 3s are 6, 7 नीचे, 2 3s are 6, 1 नीचे, 15 है, 2 7s are 14, 1 यहां पे पॉइंट, यहां पे 0, 2 5s are 10, ओके? तो हमारा एरिया जो आसिफा के मेथड से निकला वो है 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम चलते हैं समीना की डायग्राम। उसने क्या किया है, उसने इस पूरे ट्रिप, इस पूरे पेंटागन वाली पार को डिवाइड किया एक तो ट्रायंगल में और स्क्वायर में। तो ये पहले इरेज करते हैं, तो लिखते हैं समीनाज मेथड। एरिया ऑफ पार्क, वो इसने किसके बराबर रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ए डी सी बी, ए डी सी बी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी, ए पी बी वो है बेस ए बी इंटू आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड इस पे ए पी है। तो लिखते हैं हाफ ऑफ बेस, बेस है ए बी इंटू आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड है ये पीएम रख दो, पीएम प्लस एरिया स्क्वायर वो होता है साइड स्क्वायर, एडी का स्क्वायर ले लो या डीसी का स्क्वायर ले लो, वो लेते हैं एडी स्क्वायर। हाफ ऑफ ए बी, ए बी कितना है हमारा 15, पीएम कितना है वो भी 15 है। ओके, प्लस एडी स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 वो हुआ 225 डिवाइडेड बाय 2, प्लस 15 इंटू 15 225, 225 डिवाइडेड बाय 2 रफ में करते हैं वो हुआ 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, पॉइंट यहां पे 2 5s are, ओके, वो हुआ 112.5 प्लस 225, जब ऐड करेंगे हम 225 को 112.5 वो हुआ 5.7 मीटर स्क्वायर। सो ये था समीनाज मेथड। हमने देखा समीना और आसफा ने दोनों ने सही मेथड्स यूज किए थे और उनका एरिया एग्जैक्ट 337.5 मीटर स्क्वायर निकला। थैंक यू।